जिनके घर में साबुन सरफ नहीं है शौच से आने के बाद अपने हाथ की सफाई राख से भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे बात को ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं? कूड़ा फेंको तो अच्छा बात है, इस रोड पर क्यों बिकती? अपने घर में जाकर रोड के बाप के थोड़े हमने कम माने वहाँ फेंका रोड के बाप का जी कूड़ा कचरा आप लोग रोड में बिकेगा? कितना फेंका है कूड़ा? अरे तो आप लोग ले जाए बुआ पांच दीप बोरा में, हम कूड़ा कहाँ लेके जाएंगे जी? फेंकब ना हमने करोड़ भाई साहब, आप घर आंगन साफ करके कूड़ा कचरा सड़क पर बिक दिए। अच्छा, अब घर आंगन आप इसलिए साफ किए कि आपके घर में बीमारी और गंदगी न रहे। हाँ? और रोड पर बिक दिए तो आपके घर के अंदर बीमारी नहीं आएगी? एकदम नहीं, एकदम आएगी। रोड कैसे क्रॉस कर जाएगी? हाँ, कीड़ा मकोड़ा जो है उसको रोड क्रॉस करने के लिए उसको परमिशन नहीं मिलता। अब आपके घर के सामने कूड़ा गंदगी है तो जिनका घर सामने है उनके घर में बीमारी जल्दी जल्दी प्रवेश करेगा। उसके उठने वाले जितने बदबू हैं गंदे वो किसके घर में जाएंगे? जिसका पास में घर होगा उसके घर में बदबू जाएगा, वो परेशान होंगे। उसमें जो भी कीड़ा मकोड़ा पनपेगा वो सामने वाले के घर में जाएगा। अरे बीमारी के हाथ गोड़ है कि हमरे घर सा देखल है। नहीं, जिनके घर आप कूड़ा कचरा अपने घर के पास फेंके हैं तो आप ही के घर में नहीं सब बीमारी आएगी। हमने के कूड़ा करकर फेंक लिए थे रोड पर, लेकिन हमने के हित कुटुंब में आवे ना तो ऐसे कोकरी होके आवे ला, ऐसे कोकरी कहां आवे ना, पैर में ना लगेगा। किनारे किनारे आ जाते हैं लेकिन क्या सोचते होंगे कितना ही लोग गंदा रहते हैं, बताइए। तो रोड हमनी के बाप के थोड़े, हमनी के नाम लिखवा दी, हमनी के ना फेंकल जाए भाई साहब। हमें ईटा के दवाल घेरवा दे रोड पर, हमनी के दवाल हमनी के रोड है तो हमनी को कोई जाए का है।